अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद गुलनाज खान। इंशाल्लाह आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। ये देखिए, आज मैं ये रोस्ट बना रही हूँ। ये दो रोस्ट लिए मैंने। इसके लिए मुझे चाहिए ये ऑयल, लाल मिर्च, ये मुझे अदरक का पाउडर, ये चाट मसाला है, ये काली मिर्चें हैं, ये जीनोमोटो है, ये लेमन है, ये गार्लिक वो है अदरक है, ये लहसुन का पाउडर है, ये गार्लिक है, और ये नमक है, ये हरी मिर्चें हैं। अब मैं आपको ये सारा मसाला बना के दिखाती हूँ, बना के दिखाऊंगी, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह लगाना है सारा मसाला। मैं आपको बना के तो फिर लगा के तो फिर मैं आपको लगाती हूँ और दिखाती हूँ फिर आपको। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैं सारा ग्राइंड कर लूँगी, ग्राइंड करके और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने 10 हरी मिर्च लिए, ये मैं देखिए ये इसमें डाल 10 हरी मिर्च लिए, और इसके बाद मैं ये देखिए ये मैंने 4 चमचे ये डाले, 10 हरी मिर्चें डाली हैं, 1 चमचा ये मैंने काली मिर्च डाली है, और आधा चमचा मैंने ये लहसुन पाउडर डाला है, 1 चमचा मैंने चाट मसाला डाला है, और ये मेरा अदरक का पीस है, इतना बड़ा तकरीबन लिया था मैंने, ये मैं डाल रही हूँ। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन 8 लीमू, ये लीमू का वो है इसमें। तो उसके बाद मैं ये 10 चमचे ऑयल डाल रही हूँ, और उसके बाद मैं ये नमक अपने हस्बैंड जायका डालूंगी। आप लोग, मैं वैसे 1.5 चमचा डालूंगी, आप लोग अपनी मर्जी से दूसरा डाल दीजिए। ये थोड़ा सा मैं जीरा डालूंगी 1 चमचा। चले बस मैं अब इसको पीस लूँगी, पीस के फिर रोस्ट होगा ये सारा कुछ। या मैं आपको इस तरह सारे टक लगा दिए हैं, टक लगा के, और ये मसाला पीस लिया मैंने, आपको मैंने दिखाई है, और यकीन करें बहुत टेस्टी बना है बहुत। ये मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, ये देखिए ये जरा सारा बहुत मज़े का बना है। आप इंशाल्लाह ताला आप लोग ज़रूर बनाइए, बहुत मुझे खुशी होगी आप लोगों ने आप, और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए कि मैंने बनाया है, मुझे खुशी होगी कि आप लोगों ने बनाया और आप बना के और फिर मुझे ज़रूर बताइए किस तरह, बल्कि मुझे पिक्चर भेजिए, और कोई फरमाइश हो वो मुझे बताएं कि भाई मुझे ये बना के दे या कुछ, कोई भी फरमाइश हो, बच्चों की हो, बड़ों की हो, जिसकी भी हो, आप मुझे ज़रूर बताएं। ये देखें बस ये मैं मसाला लगा के कम से कम इसको 2 घंटे रख दूँगी। इसके अंदर सब कुछ आ गया, ऑयल भी आ गया, सब चीज़ें आ गई। बस ये देखें मैंने ना इसमें 1 चमचा ऑयल डाल दिया। अब मैं ना इसके अंदर ना मैं चिकन डाल रही हूँ, चिकन पे जो मैंने रबर लगाया था वो मैं उतारने लगी, क्योंकि रबर बहुत गलत चीज़ होती है पकते में। ये देखिए ये मैंने अब चढ़ा दिया, अब इसको मैं ढक दूंगी, इसको आप टेस्ट की भी है, फिर बाद में मैं हल्की करूंगी। अब मैं 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद इसको मैं पलटूंगी, आधे घंटे बाद फिर मैं दूसरी साइड पे पकाऊंगी, और उसके बाद 1 घंटे तक तैयार हो जाएगा ये। फिर आप देखिए ये बहुत मज़े का बनेगा। अच्छा ये देखिए ये तैयार हो गए, ये मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम डाली थी, अब मैं आपको इसमें करके ना सेट करके दिखाती हूँ मैं। ये देखें कितने लजीज लग रहे हैं, देखें कलर देखें आप क्या खूबसूरत आया, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ।
Please subscribe, like and share this video and click the bell icon if you want to be notified about our latest videos. Goodbye and Allah Hafiz.